ऑलराइट गाइस, सो सी प्लस प्लस में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर देखे, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखे, ये देखा कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किस तरह अलग होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देख ली थी। आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को देखा था बहुत ही नज़दीकी से, और हमने ये देखा था कि जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है उसमें किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के फंक्शंस बना सकते हैं विद द सेम नेम, और वो आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग लेते हैं और उस हिसाब से जिसे जब भी आप कॉल करते हैं उचित आर्ग्यूमेंट्स के साथ अब आपको रिस्पॉन्स मिलता है। कंस्ट्रक्टर में भी कुछ ऐसी चीज़ आप लोग कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे सब लोग, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक नई फाइल tut31.cpp और बॉयलर प्लेट कोड उसमें डाल लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक सिंपल से एक क्लास बनाऊँगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और यहाँ सेमी कोलन भी लगा लूँगा, और यहाँ पर मैं int a कॉमा b कर दूँगा, और इसके पब्लिक के अंदर मैं सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। मैं कहूँगा अगर एक्स और वाई इसको इनपुट दो, दोनों इंट, तब क्या होगा, ए को एक्स और बी को वाई ये सेट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर एक और पब्लिक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट डेटा, और मैं उसको अपने पहले प्रोग्राम से कॉपी करूँगा, मैं ज़्यादा एम्बर टाइपिंग नहीं करना चाहता। और प्रिंट डेटा में प्रिंट नंबर है, प्रिंट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैंने कॉपी कर दिया इसको, ठीक है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अगर मैं करूँगा तो आप लोग देखो कि ये ब्यूटीफाई हो जाता है प्रोग्राम अपना। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर पिछले प्रोग्राम्स की तरह एक नंबर बनाऊँगा कॉम्प्लेक्स C1 और 4.6 और C1.print number, और जैसे मैं ये करूँगा और इस प्रोग्राम को रन करूँगा, नो सरप्राइजेस कि मुझे मिल जाएगा ये नंबर प्रिंट होकर, और ये नंबर इज 4+6 आएगा। ठीक है, ये है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मान लो कि मैं सिर्फ एक्स एक एक वेरिएबल देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक पास कराना चाहता हूँ नंबर अपना, और दूसरा मैं चाहता हूँ बाई डिफॉल्ट जीरो हो जाए, तो मैं उसके लिए एक और कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। तो मैं कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, इंटेक्स कर दूंगा इसको, और इंटेक्स करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा ए इज इक्वल टू एक्स और मैं बी इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा, क्योंकि बी की कोई वैल्यू पास नहीं कराई गई है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये फंक्शन इन्वोक होगा, यानी कि जैसे ही कोई इस फंक्शन को इन्वोक करेगा तो क्या होगा, मैं यहाँ सेमी कोलन लगाना भूल गया, तब क्या होगा, बी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स C25 करता हूँ, C2.print number करता हूँ, और यहाँ पर देखो 5+0 ऐड आ गया। ठीक है, ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स थे एक क्लास के अंदर। तो क्या है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स एक क्लास के अंदर। और अगर आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं एक क्लास के अंदर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के, तो जो आर्ग्यूमेंट सेट मैच करेगा वो वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो रन हो जाएगा, और जैसे ही वो कंस्ट्रक्टर रन होगा आपके जो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ हैं, प्राइवेट डेटा की वैल्यूज़ हैं, वो असाइन जो कर रखी हैं आपने उस कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो असाइन हो जाएंगी। ठीक है, क्या हम और भी फंक्शंस बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर वाले, और भी कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप और भी कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, और इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आई होप कि ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और ये जो है हमने बनाया एक प्रोग्राम, अगर मैं आपको कुछ इस तरह से लिख दूँ कॉम्प्लेक्स और मैं कुछ ना दूँ इसके अंदर, और ये मैं करके दे दूं a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेव किया मैंने, रन किया, एक मिनट, मैंने यहाँ पर अभी बनाया नहीं है कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं एक कॉम्प्लेक्स C3 करूँगा और C3.print number करूँगा, और C3.print number मैं जैसे ही करूँगा देखो 0+0 आ गया। क्यों आया ये,
क्योंकि मैंने C3 को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था, और C3 एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो एक मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हैं, जो मेरा पैरामीटर्स मैंने पास किए हैं वो मैच करेंगे, वही वाला फंक्शन मेरा रन हो जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सा वो है कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को अप्लाई करना है जब भी आप ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स के लिए के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, ये था कॉन्सेप्ट हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट से काफ़ी मिलता जुलता है। और ये वो प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करें, या क्लिक करके बुकमार्क करें, या क्लिक करके इसको सेव कर लें। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर कर रखे हैं। जैसे कि अगर आप लोग C++ प्रोग्रामर ही हैं तो आप लोग गिट ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे, वो कभी आप वेबसाइट्स वगैरह बनाना चाहते हैं उसका एक कंप्लीट कोर्स मैंने बना के रखा हुआ है। सो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, और आप लोग जो है एक्सेस कर लेंगे प्लेलिस्ट और चैनल जो भी चीज़ें हैं। ये जो सोर्स कोड है मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक करके, और आप लोग जो है मुझे बताना कि आप लोगों को ये कोर्स कैसा लग रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।